हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजू, आपकी दोस्त, और आज मैं सीधे एयरपोर्ट से आपसे बात कर रही हूं और आपको ये वीडियो दिखा रही हूं। और ये जो प्लेन आप सामने देख रहे हो ना, स्विस एयर, ये हमें ले जाने वाली है हमारी नेक्स्ट टूर की तरफ, जो हमारा 3 डेज़ का ट्रैवल ट्रिप होगा उसकी तरफ। तो जैसा कि आपने प्लेन का नाम सुना स्विस एयर, तो आप समझ गए होंगे कि हम कौन सी जादुई देश जाने वाले हैं, क्योंकि ये देश इतना ही खूबसूरत है। मैंने बहुत मुश्किल से सोचा है कि क्योंकि मुझे मैं हर बहुत जगह पे शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कोशिश करने वाली हूँ शूट करने की, और इसीलिए ये छोटा वीडियो आप सबके लिए, ताकि आप एक स्नीक पीक आप छोटा सा देख सको ट्रेलर की। स्विट्ज़रलैंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। Next stop, Spiez. Passengers traveling to Zweisimmen. ये हम पहुंच गए हैं जो जो ब्यूटीफुल जो माउंटेन्स और जो क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो लेक्स हैं स्विट्ज़रलैंड की, उन सब की तरफ। और हम सीधे जाने वाले हैं, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी और शाम हो गए पहुंचते पहुंचते, तो 5 बजे, और हम पहुंच गए हैं इंटरलाकन, जहां हमने होम स्टे लिया है 4 दिनों के लिए। तो ये अभी हम इंटरलाकन में उतर चुके हैं, और बहुत एक्सपेंसिव है ये कंट्री दोस्तों, बहुत एक्सपेंसिव। तो एक कॉफ़ी अफोर्ड कर पाए, और कॉफ़ी के बाद हम सीधे जाएंगे होटल की तरफ। तो हमने यहाँ पे जो लोकल जो यहाँ की छोटी सी जो सुपरमार्केट है, वहाँ से हमने कुछ चावल और थोड़े से आलू और अंडे भी खरीद लिए हैं, ताकि सुबह शाम का जो हमारा खाना है उसका बंदोबस्त हम अपनी स्टे से ही कर ले। वहाँ पे किचन है, प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से कर ले। बाकी दोपहर को हमें बाहर मैनेज करना पड़ेगा, तो क्योंकि आपको अगर पैसे बचाने हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है कि थोड़े पैसे आप इस तरह से सेव कर सकते हो। वैसे तो ऐसे ही एक्सपेंसिव कंट्री है जो आप घूमने जा रहे हो, तो थोड़ा बचाने तो बनता है। और ये अब सीधे स्टेयर से हमारे रूम की तरफ। तो ये शेयर्ड अपार्टमेंट है, बहुत सारी फैमिली जो ट्रिप पे आती हैं वो रहती हैं, लेकिन एक पर्सनल जो रूम है पूरा, जिसमें 3 बेड है, 4 बेड्स हैं, वो हमारे लिए है। किचन भी शेयर्ड है यहाँ पर। और ये देखिए सामने स्विट्ज़रलैंड में आईफिल टावर की पिक्चर। तो ये हम अंदर जा चुके हैं, सामने ये ट्विन बेड है, और इधर पास में 2 सिंगल बेड्स हैं, तो एक मम्मा मैं और एक मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएगा, और एक फ्री रहेगा। शायद मैं उस पर ज़्यादा जब नींद आएगी तो फैल के सो जाऊँगी, नहीं वो मौका तो नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं। इस खिड़की से सीधे स्विस माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो मम्मा वही खिड़की से देख रही हैं कि वो कहाँ गई पर्वत, वो पहाड़ जहाँ पे ना पूरे बर्फ़ लगे हुए थे। और ये एक छोटा सा आईना, और मेरा हस्बैंड लाइट चेक करते हुए कि जल रही है कि नहीं जल रही है। ग्रेट, सो फाइनली काम कर रहे हैं सारे लाइट्स। और ये है बाथरूम विथ शावर, और जो बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का लगा ना, वो आप भी देखने वाले हो। तो ये हालत कर दी हमने आते ही इस रूम की। कोई नहीं, अब ज़्यादा अंदर ना जाते हुए हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ये कॉमन रास्ते से हम चलेंगे किचन की तरफ, मम्मा को भी किचन दिखाना था। तो ये रहा हमारा किचन, जो कि शेयर्ड है बट साफ सुथरा और सब कुछ प्रोवाइडेड है। तो ये फ्रिज है सामने, माइक्रोवेवन है यहाँ पे, OTG है, माइक्रो इंडक्शन कुछ नहीं होता, इंडक्शन होता है, इंडक्शन। और किचन के रूल्स लिख दिए गए हैं कि आपका सामान जो प्लेट्स वगैरह आप लेके जाओगे वो यहीं पे रख दे, कृपया उसे उठा के घर ना ले जाएं। और सारे लोग अपने अपने सामान जो फ्रिज में रखने वाले हैं उस पर नंबरिंग करके, या फिर अपने होटल का नंबर, अपने रूम का नंबर लिख दो। और ये वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है बैठ के, और इसके सामने फिर से पहाड़ और पर्वत, फिर से माउंटेन। तो ये बहुत खूबसूरत व्यू है, सीधे माउंटेन, सीधे हमारे जो किचन है वहाँ से। और कितने सारे लोग दोस्तों, मतलब मैंने सुना था कि स्विट्ज़रलैंड में लोग पैराग्लाइडिंग करने आते हैं, बट इतने सारे लोग, मतलब पूरे आसमान में ना सिर्फ लोग पैराग्लाइडिंग ही कर रहे हैं। मुझे तो चिड़ियाँ कम दिख रही है, लेकिन लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मन था मुझे पैराग्लाइडिंग का, मन है अभी भी, बट लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है वो, और ये अभी मैं अफोर्ड नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ये थे पूरे रूम के दर्शन।
अब झटपट से रात का खाना बना के हम आज रेस्ट लेने वाले हैं ताकि कल से हमारा जो घूमने का अभियान है और सीधे जुंगफ्राउ माउंटेन से विच इज़ द टॉप ऑफ द यूरोप वहाँ मैं आपको लेके चलने वाली हूँ। तो ये रही जल्दी से क्विक फिक्स जो हो सकता है, चावल और आलू फ्राइड, आलू का भुजिया जिसे बोलते हैं, और इसमें अगर आप बटर डाल दो तो क्या ही टेस्ट होता है, और अंडे। तो ये हमारा डिनर है एंड डिनर के साथ ये रहा हमारा माउंटेनस व्यू जो हमारी किचन से है, और इसके साथ मैं आपको मिलूंगी कल सीधे नए दिन के साथ, डे टू के साथ। आई होप आप ये इन्जॉय करोगे और मेरी आंखों से स्विट्ज़रलैंड आप भी देखने की कोशिश करो, और हम दोनों को पक्का पसंद आने वाला है। पसंद तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। चलिए आज के लिए बाय बाय।